अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहादून में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लिहाजा आज फिर एक बार कर्नाटक एक्शन कमेटी के अशोक चंदरगी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर जाकर उन्होंने डी सी साहब से अपना मुतालबा भी पेश किया। सर, ये तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ते ही जा रहा है, आज फिर आप यहाँ आए हैं, आपकी डिमांड क्या है सर? अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने है, 2004 से महाराष्ट्र गवर्नमेंट फाइल सूट इन सुप्रीम कोर्ट। ते इंतज़ार करने का था महाराष्ट्र को, क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का निकाला कब आते, तब तक उन्होंने वेट करने का था। ते उन्होंने क्या किया अमल में, वो दो मिनिस्टर को बेलगांव को हम भेज रहे करके उन्होंने बयान दिया, चंद्रकांत पाटिल, शंभुराज देसाई। वो बयान आने के बाद टेंशन चालू हुआ, बता क्यों आने, बाकी पर टाइम में तुम फंक्शन का हो, कल्चरल प्रोग्राम का हो, प्राइवेट फंक्शन का हो, हम वेलकम करते हैं। बहुत तनाव कैसा हुआ, तुम इधर विजिट कर रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल का टीपी देखा तो तुम अजब होगा, 21 दिन 11 से 6 बजे तक 24 जगह इन्हें विजिट देने वाला है चंद्रकांत पाटिल। 24 क्या काम है, गुड़गांव, कासबाग, मशापुर, रिंडलगा, सुड़गा, केज, कंगराली, एक दिन में 24 जगह का टीपी है उनका, चंद्रकांत पाटिल का। तब तनाव चालू हुआ। अभी क्या हुआ, बसरा स्टेट बम्बई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बयान दिया है, हम जत लेंगे कर्नाटक को, लेंगे करके कर्नाटक के शामिल होंगे करके बसराज बम्बई 15 दिन पहले स्टेटमेंट दिया। वो बहुत जत तक कोर्ट का लोग खुश हुआ, कन्नड़ लोग, वो हमारा एक चीफ मिनिस्टर हुआ ऐसा बयान दिया, फर्स्ट टाइम हम जाएंगे कर्नाटक को। अच्छा। हर पंचायत में रेजोल्यूशन पास करने का चालू किया, हम कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे। अभी 3 दिन के पहले क्या हुआ, उधर का मामला, उधर पुलिस और गवर्नमेंट वो दबाव डाल रही, वो पंचायत कन्नड़ लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे, वो चलवल हो रहा था और उनका वॉइस क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस नोटिस दे रहे हैं। अभी बम्बई के कर्तव्य क्या है, बम्बई साहब का ड्यूटी क्या है, उनको उनका पास उनका पीछे ठहरना, उनको उनको सपोर्ट करना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उन्हें सुना, उन्हें सोचे बगैर स्टेटमेंट दिए क्या बम्बई साहब, जो स्टेटमेंट दिए सोचे बगैर दिए, हाँ सोचे, सडनली इमोशनली उन्हें स्टेटमेंट दे के जोड़े, हम लेके जत लेंगे करके। बाद में ऐसा डेवलपमेंट हुआ 15 दिन में, बहुत उधर लोग त्रास में है, कन्नड़ लोग, उनका ऊपर गवर्नमेंट का नजर है और पुलिस इंस्पेक्टर नोटिस दे रहे हैं, अगर तुम ऐसा रेजोल्यूशन पास हो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे करके, उनको उनको पीछे कौन देना। इसके वास्ते बेलगाम जिला कन्नड़ संघर्ष क्रांति समिति बेलगाम डी सी के मार्फत से, सर महाराष्ट्र एकीकरण समिति का भी ये इल्ज़ाम है कि उन पर भी जुल्म ज्यादती की जाती है, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ। उन्होंने हम देखो जी, दोनों स्टेट के राज्यपाल कोल्हापुर में मीटिंग किए लास्ट मंथ, कोश्यारी और गहलोत, वो मीटिंग में चर्चा ऐसा हुआ जो सो इनको मिल रहे हैं बेलगाम में वो लोग उधर नहीं मिल रहे, वो कंप्लेंट किया उधर, उन दोनों राज्यपाल में डिस्कस हुआ ऐसा नहीं, इससे पहले कभी इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी गई थी कि महाराष्ट्र में जो है कन्नड़ लोगों पर उन पर ज्यादती की जा रही है, अब कैसे क्या आ गया? देखो जी, उधर 30 वर्ष के पहले उधर कन्नड़ एजुटेशनिस्ट लीडर्स थे, उधर जत अकलकोट सोलापुर में चन्नवीर कल्याण शेट्टी, सिद्धनाथ बल्लारी ड्यूरिंग 1980s, तो मरने के बाद उधर ग्रेजुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो ख़त्म किया उधर चेड़ को, बोलने वाला कौन है, सडनली कैसा ऊपर आया तुम पूछ रहे। अभी बयान बसवराज बम्बई साहब स्टेटमेंट देने के बाद ये चालू क्यों हुआ, उधर लीडर्स नहीं, अभी तक लीडर्स नहीं, अभी छोटा छोटा पंचायत मेंबर्स आगे आके बयान दे रहे हैं, इधर लीडर्स नहीं, इधर बहुत लीडर्स है बेलगाम में, मोर देन 50 कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो एक हम बोलेंगे, उधर लीडर्स नहीं, लैक ऑफ लीडर्स, वो लीडरशिप ख़त्म किया भारत सरकार, अभी अपना आप ऊपर आया, रेजोल्यूशन पास करने चालू किया, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको कैसा दबाने करने को सोच रहे हैं, इसके वास्ते उनको हेल्प करने को आगे आने को कौन आना, महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार, इसके वास्ते महाराष्ट्र बेलगाम डिस्ट्रिक्ट थ्रो हम CM बम्बई को एक मेमोरेंडम दिया है, दो मिनिस्टर को उधर भेजो, कर्नाटक बॉर्डर प्रोटेक्शन कमीशन करके है उनका, उसका अध्यक्ष नया अध्यक्ष शिवराज पाटिल है, उन्होंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको भेजो, उनका समय पूरा उनका प्रॉब्लम्स क्या है सुनो, बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के वो हल करने को कोशिश करो। कर्नाटक माते, कर्नाटक माते।
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸೋಲಾಪುರ್ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಜತ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬಯಸಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ